जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं, प्रधानं सर्व धर्मानां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समय साराय, स्वानुभूत्याश्चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। ये यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। निगोद किसको कहते हैं? महंत निगोद किसको कहते हैं बेटा? एक शरीर के आश्रय से जहाँ अनंत जीव रहते हैं, है ना? शरीर तो है एक, और उसके आश्रय से जीव कितने रहते हैं? अनंत। तो ऐसे निगोद कहाँ मिल, कहाँ है निगोद? तो ये वनस्पति जो काय है ना, वनस्पति काय, उसमें निगोद है ना। वनस्पति में भी दो प्रकार की वनस्पति है, एक साधारण वनस्पति है और एक प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति किसको बोलते हैं? कि जहाँ एक शरीर हो और अनंत जीव रहते हो, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है ना, ये अभक्ष हैं जितने, जो 22 प्रकार के कंदमूल, उनको कंदमूल इसलिए कहते हैं कि वहाँ एक सुई की नोक लगाएं और निकालें तो उसमें जितने जीव आते हैं, अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं और अनंत काल में जो सिद्ध होंगे, उससे भी वह ज़्यादा है जी, इतने जीवों की संख्या है ना। और तो साहब वो जीव हमारे मारने से मर जाते हैं क्या? नहीं, जीव मरते तो है उनकी आयु से, लेकिन हमारा परिणाम कितना क्रूर है, उस परिणाम का अपने को दंड मिलता है। दंड किसका मिलता है? कि आपको उन जीवों के प्रति करुणा नहीं है, उनकी विराधना का परिणाम चलता है, उस परिणाम का दंड मिलता है। और परिणाम का दंड क्या मिलता है? भव कलंक, जो परिणाम कलंकित है उसका दंड क्या मिलता है? कि आप उस जगह पैदा हो जाओगे। कहाँ पैदा हो जाओगे? निगोद में पैदा हो जाओगे आप, यदि आपने अपनी भूमिका में सावधानी रखते हुए, संयम पूर्वक उनकी रक्षा का परिणाम न रखते हुए आपने यदि अपना जीवन यापन करा, तो इस प्रकार का परिणाम कहलाता है कलुषित परिणाम, है कलंकित परिणाम। और उस कलंकित परिणाम की का दंड क्या है? कि आपको निगोद में वापस जाना पड़ेगा, है ना। और निगोद में रहने का काल कितना है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है बाबूजी। नित्य निगोद में तो ये अनंत काल तक रह सकता है। नित्य निगोद में कितने काल तक रह सकता है? अनंत काल तक रह सकता है।
और जो निगोज से निकलकर एकेंद्री हो जाता है जो जीव, वो समझना महाभाग्यशाली है। क्या बाबू जी? एकेंद्री मतलब पेड़ हो जाना, पृथ्वी हो जाना, जल कायिक हो जाना, है ना, वायु कायिक हो जाना, वो क्या है? महाभाग्यशाली के जीव। तो जीव तो वही है, वो शरीर है ना, निगोदिया शरीर छोड़कर एकेंद्री शरीर हो जाना, वो क्या है? महाभाग्यशाली है। और एकेंद्री शरीर में कितने समय तक रह सकता है? तो यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं असंख्यात कल्प, असंख्यात कल्प, असंख्यात वर्ष नहीं है, है ना। चलो अपन अब पैराग्राफ पढ़ेंगे और अब इसका फिर अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर 32 है ना, मान दिए पेज, पहला पैराग्राफ पढ़ना है। पेज नंबर 32 है इस वाले ग्रंथ में, कौन सा है? पेज नंबर 36 पे पढ़ना है बेटा इसको, पहले पैराग्राफ को, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे और शुद्ध उच्चारण करते हुए। इस जीव मतलब मेरे, अनादि से मैं अनंत काल तक कहाँ रहा? नित्य निगोद में रहा। नित्य निगोद की पहचान क्या है? नित्य निगोद की पहचान है, नित्य निगोद की पहचान क्या है? एक शरीर के आश्रय से बहुत बहुत जीव रहते हैं, सबका जन्मना मरना और श्वासोश्वास एक साथ। चलो आगे, वो वहाँ आयु पूरी हुई नित्य निगोद की और वापस कहाँ जन्म हो गया? नित्य निगोद के शरीर में ही जन्म हो गया। ऐसा काम कब तक चलता रहा वो अभी टोडरमल जी साहब बताएंगे। हाँ, कितनी जीव राशि है बाबू जी? अनंता अनंत जीव राशि ने क्या काम करा अनादि से अभी तक के जन्म मरण करा? कहां पर? निगोद में जन्म हुआ, वापस मरकर निगोद। सब क्यों बाहर नहीं निकला? क्योंकि उसका परिणाम कलुषित था। संजय जी भाई साहब, परिणाम क्या था? कलुषित। अपन अभी परिणाम की तरफ से बात करते हैं, अभी क्रमबद्ध पर्याय और तत्समय की योग्यता नहीं। उसका परिणाम कैसा था? कलुषित था। तो जो कलुषित परिणाम वाले जीव है वो निगोद से बाहर निकलते ही नहीं है, और जो जीव निगोद से बाहर निकल गए हैं और परिणाम कलुषित हैं तो पुनः निगोद में चले जाएंगे। आई बात समझ में? क्या सीधी सीधी बात है, दो टुक। अब कलुषित परिणाम क्या है उसकी तो अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहां समझना कि वो जो निगोद है उसमें रहने का काल कितना है? अनंता अनंत काल रहने का। और अपने को अभी मनुष्य पर्याय मिली है पंचम काल में, तो यहाँ बाबू जी कितना समय अधिक से अधिक रह सकता है? ये आयु आयु कितनी होगी पंचम काल की? 120 साल, 121 बरस, बस बरस है बरस। और वहां निगोद में रहने का क्या है बाबू जी? टाइम अनंता अनंत काल। मरेगा फिर निगोद में पैदा होगा, आलू का जीव मरेगा फिर आलू में पैदा होगा, फिर मरेगा और फिर आलू में पैदा होगा। ऐसे काम कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक। कोई महाभाग्यशाली जीव है जिसने परिणामों में ऐसा कोई योग बैठ गया है, योग बैठ गया ना, चार तरह के पीछे कर्म की बताई थी कि ऐसा योग बैठ गया है कि उसके कर्म का उदय मंद हुआ हो, तो वो क्या? वो महाभाग्यशाली जीव है। कौन? हिम्मत भैया, कि जो निगोद से निकलकर एकेंद्री में आ जाता है। कहां पर? एकेंद्री में। एकेंद्री मतलब पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, ये आ जाता है। ये अब टोटल मल्जी साहब यहाँ बता रहे हैं। देखो, हाँ बेटा पढ़ना आगे। बाबू जी ये संख्या क्यों लिखी टोटल मल्जी साहब ने? पता है आपको? आप कितने भाग्यशाली हो, आपको आइडिया है कि नहीं है? क्या है साहब भाग्यशाली? हम उदयपुर में रहते हैं, नहीं एक मकान है, बच्चे का बढ़िया काम है, ये भाग्यशाली है? अरे वो अभी जिस जिस जीव राशि, अनंत जीव राशि में से संख्या कितनी है इधर? अनंत अनंत जीव राशि में से जो एकेंद्री में जाता है, संजय जी भाई साहब क्या 6 महीने और 8 समय में 608 जीव को चांस मिलता है क्या कि जो इधर से एकेंद्री हो जाए? समय मतलब वो 6 माह तो 6 महीना
और आठ समय ये समझ लो अभी आपके ज्ञान में पकड़ में नहीं आएगा, तो यूं समझो 6 महीने में 608 जीव बाहर निकलते हैं। कितने? 6 महीने में कितने जीव बाहर निकलते हैं सचिन जी भाई साहब? 608। कितने में से? अनंता अनंत प्रमाण राशि है वहां, है ना, अक्षय अनंत जीव है वहां पर निगोद में, वहां से 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। अपने को चांस मिल गया कि नहीं भाग्य का? बाबू जी चौका लाटरी लग गई कि नहीं अपनी? अरे हाँ जी या ना जी कुछ तो बोलो अपनी है? है? अभी अपने अपन कसाई की तरफ से ना कि उसके ऐसा योग बैठा है ना, कसाईयों की जो कर्म कसाईयों के उदय का ऐसा योग बैठा कि इससे बाहर निकल गया। अपन अभी इस तरह से बात कर रहे हैं, अभी तत्समय की योग्यता क्रमबद्ध पर्याय वो पार्ट अभी यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना। उस जीव की तत्समय की योग्यता ऐसा था या उसके क्रमबद्ध में आया वो बात नहीं कर रहे कि उसके कर्म के उदय का इस प्रकार का उदय बैठा कि ये यहां से बाहर निकल गया। बाहर निकल के कहां आ गया बाबूजी? कहां आ गया? वो कौन है जो एकेंद्री में जीव आ गया? वो संजय जी भाई साहब महाभाग्यशाली। आपको पता है महाभाग्यशाली क्यों? कि यहां तो है अनंता अनंत जीव और यहां से 608 की लॉटरी खुली है। अभी पूरे इंडिया में कोई ऐसी लॉटरी चले कि जिसमें मान लो कि 10 करोड़ लॉटरियां बिक गई और एक जने को उसमें से 10 करोड़ इनाम मिलेगा, ठीक है, और उसके खुल जाए तो अपन क्या मानते हैं बाबूजी उसको? है, ये तो भाग्यशाली है। लेकिन कितने में से कितने को मिला? कि 10 करोड़ में से एक को मिला। और यहां कितने में से? अनंता अनंत में। आई बात समझ में? है ना, वो तो बहुत छोटी संख्या है 10 करोड़। है कितने जीवों का आईएएस में कौन सिलेक्शन होता है? पूरे इंडिया में 5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे तो 100 का आईएएस में सिलेक्शन होगा और वहां भाग्यशाली है। है कौन? वो 100 जने। कितने में से? 5 लाख में से। और यहां अनंता अनंत में से मात्र 608, तो कितने भाग्यशाली है? अरे महा क्या, महा महा महाभाग्यशाली है। जो कहां पहुंच जाते हैं? कहां पहुंच जाते हैं बाबू जी? एक इंद्री शरीर मिल जाना, निगोद के शरीर से बाहर निकलकर जिस जीव को एकेंद्री शरीर मिल जाना वो क्या है हिम्मत भाई? महाभाग्यशाली। एकेंद्री मतलब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, ये जो पेड़ खड़ा है ना पेड़, ये महाभाग्यशाली है। किसके तुलना में बात चल रही है? जो निगोदिया है ना, आलू के अंदर जीव, प्याज के अंदर जीव, लहसुन के अंदर जीव, गाजर के अंदर जीव, मूली के अंदर जीव, उन जीवों से महाभाग्यशाली। ठीक बात समझ में आ गई आपको? नियम क्या है बाबूजी? कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव बाहर निकलेंगे, बस मर्जी पड़ेगी उतने बाहर नहीं आएंगे। आई बात समझ में? अभी उस तरह से आप कहो कि उतने ही जीव पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ क्या होगा निगोद में? अने ऐसा समझो कि उतने ही जीव की तत्समय की योग्यता है, क्रमबद्ध में उनका इस प्रकार का ही परिणमन इतने ही जीवों का लिखा है, बाकी सब जीव यहां रहेंगे। ठीक है, तीनों एंगल हो गए, चलें आगे। हाँ बेटा पढ़ो आगे। पर्यायों को धारण कर, कहां से निकल के बाबूजी अन्य पर्याय को धारण करते हैं? निगोद से निकलकर अन्य पर्याय को धारण करते हैं। तो आपको लग रहा होगा यार बहुत बढ़िया है, वहां से तो निकल गए हैं, तो वहां से निकलकर कहां पहुंचे? सुनो आप, कहां कहां जाते हैं? वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्री पर्यायों में। भैया कहां से कहां पहुंचे? निगोद से निकलकर यहां एकेंद्री पर्यायों में। देखो एकेंद्री में नाम लिखा है, कल अपन ने लास्ट में इसकी चर्चा करी थी, पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन, है ना, चार ही एकेंद्री, और प्रत्येक वनस्पति लिखा है। प्रत्येक वनस्पति इसलिए लिखा है कि साधारण वनस्पति तो निगोद है, आई बात समझ में, और प्रत्येक वनस्पति के शरीर के साथ जो निगोदिया रहते हैं वो भी निगोद है। प्रत्येक वनस्पति जिस वनस्पति का स्वामी एक है, ठीक है ना, तो वो महाभाग्यशाली है बाबू जी। कौन? वो जो लोकी है ना, लोकी बड़ी हो गई है अब, जिसमें फैलने की संभावना नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं रिजेक्टेड,
रिजेक्टेड मतलब कम कीमत में, वो लोकी में एक जीव के, एक लोकी में एक जीव, वो महाभाग्यशाली है। किससे महाभाग्यशाली है कि जब वो छोटी अवस्था में वो जो है ना रोए रोए थे उस पर, उसमें उस लोकी वो तो साधारण वनस्पति थी, वो क्या थी, वो तो साधारण वनस्पति थी है ना, और वो साधारण वनस्पति यानी निगोद, और प्रत्येक वनस्पति में वो तो एकेंद्री, तो वो जो एकेंद्री में आना कोई यूं 10-20 करोड़ में, संजय जी भाई साहब प्रधानमंत्री कितने जने बनेंगे भारत के, यूं बताओ आप कितना बने, एक बनेगा कितने में से, अरे अभी भारत का नागरिक होगा तो 130 करोड़ में से, ऐसा ही समझो 130, तो महाभाग्यशाली गिनते हो ना आप उसको है, कितने में से, 130 करोड़ में से। अरे अनंता अनंत जीव जिस निगोद में है, अनादि से है, अनंत काल तक बाहर नहीं आए, उस अनंत जीव राशि, अनंता अनंत प्रमाण जीव राशि में से 6 महीने और 8 समय में मात्र 608 जीव बाहर निकलते हैं, उसकी वो कितने भाग्यशाली है। बाबू जी द्रव्य संग्रह में आचार्य ने इस भाग्य के आधार से एक सुंदर बात कही कि इसको भाग्य के आधार से ये निगोद से निकल एक इंद्री में आ गया, समझो उधर से बाहर के रेंडम मिल गया, अपन ने निगोद से बाहर निकले तो चांस ही मिल गया अपने को, ठीक है, फिर एक इंद्री में आ गए, एक इंद्री से फिर त्रस पर्याय पानी, तो क्या कहे, क्या है छड़ाला में, क्या है, क्या बोलते हैं आप, जो चिंतामणि मिल जाए है त्रस पर्याय, मतलब एक इंद्री से दो इंद्री होना, संजय जी भाई साहब वो महाभाग्यशाली, किससे महाभाग्यशाली, वो एक इंद्री वाले जीवों की बात कर रहे हैं, निगोद से तो महाभाग्य में महाभाग्य का मल्टीप्लिकेशन कर देना आप, ठीक है, दो इंद्री हो जाना, जैसे दो इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से चार इंद्री, चार इंद्री से पांच इंद्री, पांच इंद्री से फिर आप मनुष्य हो गए, मनुष्य हो गए फिर जैन कुल हो गया, ये ऐसे घटाते बढ़ते जाना पड़ता है। अभी बाबू जी ये सब मिल गया अपने को और उसके बावजूद भी ये नालायक क्या जन्म मरण के अभाव का काम नहीं करता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि बड़ी दया आती है, यहां एक सुंदर शब्द लिया है टोडर मल्ली साहब ने, क्या है, काक ताली न्यायवत, ठीक है, अभी वो मतलब कितना कठिन है वो जो मिलना, क्या कितना कठिन है मिलना, अभी इसमें 2-3-4 एंगल अलग 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 विद्वानों के आधार से, क्योंकि मेरे को सीधा है इसका न्याय में कि क्या कहना काक ताली न्याय क्या होता है, लेकिन जैसे कि कौवे का जाना हो और मान लो उसके मुंह में जामुन का गिर जाना हो, ऐसा भी सुना है मैंने, कहा कौवे का जाना हो और वो मुंह में लेके कोई तिल्ली और नारियल का गिरना हो, नारियल में चुभ जाना हो, अन्य वाटेवर में भी, मतलब ये जो रेंडम है बहुत दुर्लभ, बाबू जी ऐसी घटना कितनी है कि महादुर्लभ, और महादुर्लभ काम हमारे जीवन में हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये, क्या काम हो गया हमारे जीवन में, कजाव साहब महादुर्लभ है, काक ताली न्यायवत मतलब महादुर्लभ है, ठीक है महादुर्लभ, लेकिन हमारी ये काम हो गया है महादुर्लभ, और इस महादुर्लभ काम अने ये सब मिलने पर भी ये जीव जन्म मरण का अभाव नहीं करके पुनः निगोद में चले जाता है, जहां से वापस आने की संभावना कैसी समझ लो, यो तो कहते हैं बड़ी दया आती है, बड़ा ना समझ है, 25 बरस के लिए यहां रहे नहीं रहे परिणाम 24 घंटे बिगाड़ता है, लेकिन इस परिणाम का फल अनंत काल निगोद में जाना पड़ेगा, जहां जीव नहीं गिना जाएगा उसकी इसको खबर नहीं है। बोलो व्यापारी है कि नहीं बाबूजी अपन, अरे हाँ जी या हाँ जी, अरे व्यापारी है कि नहीं, क्या व्यापारी की क्या पहचान, लाभ देखता है बाबूजी, व्यापारी क्या देखता है, संजय भाई साहब व्यापारी की क्या दृष्टि रहती है, अभी अपनी दृष्टि लाभ पर है, कि बाबी यहाँ टोटल मल्ली साहब बिल्कुल बताएंगे कि किस गति में कितने समय रह सकता है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, और यदि वहां से काम नहीं करा तो कहां पहुंचना है, ये सब नक्की बता देंगे, सावधानी रखना अब इस प्रकरण को पूरा अपने को समझना है। अनंत काल निगोद में रहा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मतलब 1-2, 5 करोड़, 10 करोड़ में एक को चांस मिला ऐसा नहीं है बाबू जी, है
25-50 करोड़ में एक को चांस मिला ऐसा नहीं है, 130 करोड़ में एक को चांस मिला ऐसा नहीं है, है? अनंत अनंत जीव राशि, उसमें से छह माह और आठ समय में मात्र 608 जीव को चांस मिलता है, और मैं उस चांस को पाने वाला महाभाग्यशाली जीव में से एक हूं। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चले आगे, ठीक है, चलो। हाँ, कल, अच्छा ये प्रकरण में अपन ने कल एक बात और बताई थी ना, आठ शरीर ऐसे हैं जहां निगोदिया जीव नहीं होते हैं ना। आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आठ ऐसे जो शरीर हैं जिसमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं। चार तो आपके हो गए एकेंद्री के, ठीक है, कितने हो गए भैया? चार एकेंद्री के, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते, ठीक है। एक केवली भगवान का जो परम औदारिक शरीर है उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। एक जो देवगति के जो है ना देव, उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। और एक जो नारकी है ना, नारकी नरक में, उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। और एक आहारक रीतिधारी मुनिराज के आहारक जो शरीर निकलता है उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। ऐसे आठ शरीर है, बाकी सब जो भले ही प्रत्येक वनस्पति हो, भले ही वो प्रत्येक शरीर हो, जैसे इस शरीर का स्वामी मैं अकेला प्रत्येक बोलते हैं ना, लेकिन इस शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे। हाँ बेटा, पढ़ना आगे। ठीक है, अब अभी यहाँ इतर निगोद की परिभाषा टोडरमल जी साहब ने बताई, नित्य निगोद और इतर निगोद, है ना। हेडिंग तो ये डाला था, नित्य निगोद और इतर निगोद, और संसार परिभ्रमण, संसार अवस्था का चित्रण चल रहा है, तो बताना है कि संसार अवस्था में क्या है ना। अभी तो संसार में या शरीर के आधार से बंटवारा है, परिभ्रमण के आधार से बंटवारा, आगे कर्म के उदय के कारण इस जीव की अवस्था, उसका बंटवारा है संसार अवस्था में, ऐसा पूरा संसार अवस्था का चित्रण इस अध्याय में चलेगा। तो यहाँ इतर निगोद की परिभाषा है, दूसरा नाम इसका है चतुर्गति निगोद, है ना। क्या है कि वहां से निकलकर संजय भाई साहब एक इंद्री होए, ठीक है। अभी एक बात और सुनना, जितने भी जीव एक इंद्री होते हैं नियम नहीं है कि सभी फिर आगे त्रस में जाए। बाबूजी फॉरवर्डिंग जो क्रम का कोई नियम नहीं है। आई बात समझ में? क्या जैसे 6 माह 8 समय में 608 जीव निकले, फिर 608 जीव आगे जाएंगे, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है, ठीक है। एक इंद्री में रहने का काल कितना है, और एक इंद्री से त्रस पर्याय को पाना चिंतामणि रत्न के समान है। त्रस पर्याय मतलब संजय जी भाई साहब दो इंद्री हो जाना, है ना, दो इंद्री हो जाना, क्या है चिंतामणि रत्न। कितने लोगों के पास है अभी विश्व में चिंतामणि रत्न? अरे एक आधा के पास, चलो भारत में नहीं है तो अमेरिका में तो है किसी के पास? नहीं है, नहीं। क्या होता कजावत साहब चिंतामणि रत्न? कैसी ना, अपन ने सुना ही सुना है, अब आपको लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है ये तो हाँ नहीं, कितने लोगों के पास है अभी विश्व में? अभी जिसको आप विश्व मानते हो छोड़ो, अभी जितने को आप विश्व मानते हो ना, विश्व जो ये 270-280 देश, इसी उसके आगे तो अपनी गणित ही नहीं किसी है, किस कितने के पास है ये बाबू जी? आबादी कितनी है विश्व की? विश्व की कितनी? 700 करोड़, यही 700 करोड़ है, 6 अरब 7 अरब, ठीक है। इसमें से एक के पास भी नहीं, एक भी भाग्यशाली नहीं है बाबू जी, एक भी भाग्यशाली नहीं है कि किसी के पास चिंतामणि रत्न। चक्रवर्ती के 9 निधि होती है, उसमें से एक ये निधि है। तो आप समझो जो एक इंद्री से दो इंद्री हो जाता है ना, वो महाभाग्यशाली है। तुलना करना अभी ऐसे भाग्यशाली अभी, क्योंकि वहां तुलना, अब उपमा कैसे देवे, समझावे कैसे कि कितना महाभाग्यशाली है एक इंद्री से दो इंद्री हो जाना,
अब कैसे समझावे? तो वहां पे कविवर ने वो कहा कि चिंतामणि रत्न मिल गया हो, ऐसे उसने त्रस्त पर्याय ले ली। अपने को मिला कि नहीं बाबू जी चिंतामणि रत्न? हाँ, अब टोटनमल जी साहब ये कह रहे हैं कि हम महाभाग्यशाली हैं, दो इंद्री से तीन इंद्री से चार इंद्री से पंच इंद्री से संगी, संगी में भी आ गए आप, जैन कुल में आ गए, शरीर ऐसा सब कुछ है, उसके बावजूद भी यदि आप इस संसार परिभ्रमण मेटने का काम नहीं करते हो और पुनः निगोद में जाने का भाव, कितनी 24 घंटे ये जीव कसाय से और बहुत देखो 24 घंटे अपने परिणामों को देखना कि अपने परिणामों की क्या स्थिति, कलुषित परिणाम है ना ऐसा ना। और उसमें भी यदि बंटवारा करें तो 99% बिना कारण ये परिणाम को कलुषित करता है। ओ उसने ऐसा नहीं करा, उसको ये करना चाहिए था, उसने मुझे ये कह दिया, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। 24 घंटे इसके चित्त में चलता है, 24 घंटे चलता है। रहना कितना समय है बाबूजी इस पर्याय में? अरे बोलो ना, अरे समय कितना है अन्य पर्यायों का और इसमें मनुष्य पर्याय में रहने का? और आपको पता है परम पद है ना, परम पद कौन कौन से परम पद है? पांच परम पद है, है? सिद्ध, तो जो तो सिद्ध हो गए, अरहंत, फिर उसके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सब अपने पास है ये पद, चार गति के जीवों में नहीं है ये, दूसरों के पास। आई बात आपको पता है? इसका मतलब है कि हमारी इस भूमिका में इतनी पवित्रता पहुंची जा सकती, देव चाहे तो नहीं पहुंच सकता, तिरियन चाहे तो नहीं पहुंच सकता है। आई बात समझ में? और अपन किस काम में लग गए? तो कोई बाबूजी यहां नियम है, अगर कलुषित परिणाम है या कहो आपने अपना काम नहीं किया तो नियम से पुनः निगोद में जाना पड़ेगा। क्योंकि एक इंद्री में रहने का काल तो असंख्यात कल्प है, लेकिन त्रस्त पर्याय में रहने का काल 2000 साधिक, वो भी अधिक है, मतलब अधिक से अधिक, सबको मिलता है ऐसी बात नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा कोई फार्मूला फिट नहीं है कि भाई एक बार हम त्रस्त हो गए तो हमको इतना इतना समय मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। यदि अधिक से अधिक चांस रहने का मिल सकता है त्रस्त पर्याय में तो कितने कितना समय रह सकता है? ये 2000 सागर से थोड़ा अधिक, ठीक है। इसमें यदि इसने जन्म मरण मेटने का काम नहीं किया और दूसरी तरह से कहे कि अपने परिणामों में पवित्रता नहीं लाया, कलुषित है रहा, तो क्या होगा कि पुनः वह निगोद में चला जाएगा और वो जहां जाएगा उस जगह का नाम है इतर निगोद, और वहां रहने का अधिकतम काल क्या है कि 2.5 पुद्गल परावर्तन है ना। अब वो अपने अपने सिस्टम में वो संख्या आएगी नहीं, हैंग हो जाएगी, क्योंकि अभी असंख्यात कल्प ही अपने को भारी लग रहा है, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं? आई बात समझ? देखो आप समझो कि सम्यक दर्शन हुआ तो परिणति में जो अनंतानुवंती के अभाव के कारण शांति हुई तो उतनी उतना तो सुख आपकी परिणति में आ गया है ना। ये रहा आपकी परिणति में सुख आ गया, लेकिन अपनी भूमिका में तीव्र कसाय को छोड़कर और अपनी परिणति में शांति लाने का जो प्रयास है वो भी उस तीव्र कसाय की तुलना में तो उसको मंद ही कहता है। आई बात समझ? और हमारा अभी क्या चल रहा है प्रयास, जो 5-10 बरस सामग्री जो भी उदय के अनुसार रहती है, बाबूजी किसके अनुसार रहती है? उदय के अनुसार रहती है, लेकिन मैं मिल गई तो फेल गया, चली गई तो दुखी हो गया, ये जगत का हर परिणमन मेरे अनुसार होए, 24 घंटे में वो जो कुत्ता चलता है ना गाड़ी के नीचे, ऐसे मानता है कि मैं चला रहा हूं, ऐसे ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, उसने नालायक ने ऐसा कह दिया, और अब खुद ही कलुषित होकर स्वयं दुखी रहता है, और वो उस परिणाम से कहां जाने की तैयारी कर रहा है? कहां जाने की तैयारी कर रहा है? कौन बचाए उसको है? ये स्वयं सावधान रहे तो बचे। कुछ भी दो थोड़े समय के लिए राग प्रकरण चल रहा है ना शाम को भी, और कि क्या राग है भोजन का, कितने समय तक रहता है बाबू जी जीवा पर टेस्ट है? सबको पता है कि नहीं बोलो, कैसे पानी छानना, सबको पता है ना अनंत काय जीवों में क्या होता है, रात्रि में क्या है, फिर भी क्या
अब आपके पास क्या ऑब्जेक्ट, क्या कारण है, आपकी क्या मजबूरी? अरे बोलो मजबूरी तो बोलो, डरता ही नहीं है, सुबट हो गया है, सुबट इसको डर ही नहीं है अभी बाबूजी, है ना, इसको विश्वास भी नहीं कि ऐसा कुछ है कि एक इंद्री में इतना समय रहना है, केवली भगवान की बात पे कहां विश्वास है, है? इधर सुना, किसको कहते हैं इतर निगोद? एक बार वह निगोद नित्य निगोद को छोड़कर बाहर आ जावे, ठीक है, और पुनः निगोद में जाए तो उसको कहते हैं इतर निगोद। नित्य निगोद में रहने का काल अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है, क्या नित्य निगोद में तो अनंत अनंत काल रह सकता है, लेकिन इतर निगोद में अधिकतम यदि वो रहे तो ढाई पुद्गल परावर्तन रह सकता, उसके उस बाद उसको निकलना है, लेकिन निकल के फिर त्रस्त पर्याय मिल जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं, फिर वो एक इंद्री होए, है ना, और वापस फिर निगोद में आ जाए, हाँ, एक समय के लिए होए और वापस निगोद में आ जाए। फिर ये कैसा क्यों होता है कि जब तक आपके परिणाम कलुषित रहेंगे, है ना, वो ये जीव वहीं धक्के खाते रहे। कौन निकाले इस जीव को बाबूजी निगोद से बाहर, है कौन निकाले, कौन एक इंद्री से बाहर निकाले इसको, है उसके स्वयं का परिणाम, है ना, एक एक समय के परिणाम आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना अपने परिणाम का, एक एक समय का परिणाम मेरा कितना मेरे स्वभाव से विपरीत जाकर मेरे को दुख कर रहा है और भविष्य में दुख रूप है, उसका आप एनालिसिस तो करना। 24 घंटे हमारे क्या चलता है, मायाचारी, अहंकार, क्रोध, निंदा, अपनी प्रशंसा, क्या चलता है बोला, क्या है? स्वयं ही अपने को कुछ मानेंगे, स्वयं ही अपने को होशियार, अपन दूसरे की निंदा में, क्या 24 घंटे अपना ये काम चल रहा है, तो ये परिणाम क्या है, ये परिणाम क्या है, कलुषित है। तो बाबूजी दंड नहीं मिलेगा? अरे कोई जीव गिनने को तैयार नहीं होगा, थोड़ा सा उदय है पुण्य का तो अहंकार में फैल जाता है, पाप का थोड़ा सा उदय होता है तो रोते रहता है, रोते रहता है, दोनों परिस्थिति में परिणाम तो ये कलुषित ही रखता है, है? भेद विज्ञान नहीं करता। समय मिल जाता है तो बाबू जी क्या करें, टाइम पास करने के लिए टीवी है, उसको मालूम नहीं कितना नुकसान हो रहा है, क्या कर रहा है वो बाबू जी, टाइम पास कर रहा है, ऐसी जगह चला जाएगा कि वह टाइम पास नहीं होगा इसका, आई बात समझ में, हाँ। अभी तो टाइम पास कर रहा है, देखो तो सही, मतलब अभी मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना कि साहब क्या है ऐसा, टाइम पास कर रहे हैं, क्यों और कोई काम नहीं है क्या, है? और टाइम कितना है मनुष्य पर्याय का जो तू पास कर रहा है, कितना है मनुष्य पर्याय का टाइम, बोलो ना बाबूजी, है निगोद में और वहां एकेंद्री में, वहां टाइम पास करे तो समझ में आ रहा है टाइम पास है रहा, और वहां आपके पास कुछ नहीं है, वह टाइम ही पास करना है आपको, असंख्यात कल्प रहता है एक इंद्री में। चले आगे, चलो भाई कौन पढ़ेगा अब, ये बच्चों में से पढ़ने तो दूसरा पैराग्राफ आगे वाला, पेज नंबर 32 दूसरा पैराग्राफ, बच्चों को पढ़ने दो, ये आए इनके रुचि का भी प्रकरण चल रहा है, समझना है बेटा, एक बात जीवन में रखना, अपने जीवन में जितना सावधानी पूर्वक अहिंसक जीवन जियो वो बढ़िया है। कोई अभी मम्मी पापा तो अभी आपको बार बार प्रेरित करेंगे, लेकिन ऐसा है कि जैसे बाहर, यहाँ तो आप 2 घंटे रहे, बाहर गए कोई बोले आलू प्याज, कोई बोलता है ये होटल का, और वहां बढ़िया है, होटल के खाने में अमर्यादित भोजन है, त्रस्त जीव है, उसको खाना अने मांस खाने के बराबर है, ये बिल्कुल आप पक्का समझ लेना। और आपके स्वयं के परिणाम बिगड़े कोई देखे नहीं देखे, दंड अपने को स्वयं को मिलने वाला है ना। और अगर अपन ने ये ऐसा उत्कृष्ट समय अभी बताएंगे, काक ताली न्यायवत, हर किसी को नहीं मिलता, जैन साहब जैन कुल, हर किसी को नहीं मिलते पंच परमेष्ठी, हर किसी को मंदिर, बाबूजी जो विदेश में गए हैं वो 6-6 महीने मंदिर को तरसते हैं,
70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और वहां जिनेंद्र भगवान की बात को सुनाने वाला कौन है? किसी किसी के तो मंदिर चलो 100 किलोमीटर है और कहीं तो है ही नहीं। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी ये समझो कि तीव्र राग मोह के बस क्या थोड़ा सा पैसा है उसके का, ये कीमती कीमती चीज वो अभी उसको कहेंगे ना कि वो बोले ना राग के लिए रत्न जलाने जैसा है। कौन कौन जो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके थोड़े से पैकेज के चक्कर में जो विदेश चले जाते हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने को राग प्राप्त करने के लिए बर्तन मांजना है तो राग तो चाहिए तो क्या करे? अरे बोलो ना क्या करे कि रत्न को जला दो तो राग हो जाएगा। ठीक है काम ऐसा काम कर रहे हैं वो। कहते थे स्वामी जी कि मनुष्य पर्याय स्वामी ने जे विषय कसाईमां गाड़े छे ते तो राग ने माटे रतन ने बारे छे। हाँ जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके विषय कसाय में इसको खोता है 24 घंटे है वो क्या राग के लिए रत्न को जलाता है ऐसा गुरुदेव श्री कहते थे। हमें मैं मुझे गुजराती टोन नहीं आती लेकिन गुजराती टोन को सुनो तो गुजराती टोन का आनंद अलग आता है। जो गुजराती सुनता है वो टोन बहुत सारी चीजें वो उसी टोन में अच्छी लगती है ना वो उसकी भाषा उधर की भाषा है। तो बेटा अपने को कोई देखे या नहीं देखे है तो एक बात समझना कि केवली भगवान देख रहे हैं और दूसरा ये जो कर्म है ना कर्म भले ही जड़ है लेकिन अपने परिणाम की विपरीत लेंगे और उसका बंद हो जाएगा और दंड बराबर मिलेगा एक एक विपरीत परिणाम का कोई बचाने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना आपने जीवन में। हाँ स्वयं बच सकता है क्या अपराध बिना करे। कहां कहां जीव है बोलो आप बच्चे कौन कौन बताएंगे कहां कहां जीव है? आलू में कितने जीव है? कितने जीव है? अनंत। अनंत मतलब कैसे गिना अनंत? कल वो अपन ने नक्शा बनाया था ना अनंत का कैसे गिना अनंत। आलू के अंदर देखो बड़े सुनना में पूछूंगा जो जो भी बच्चे हों उनसे एक सुई डालें और सुई निकालें तो उस सुई की नोक पर जितने आलू के परमाणु आते हैं है ना कुछ तो आंख से दिखते हैं वो अनंत स्कंद है। कितने स्कंद है? वो अनंत स्कंद है और एक स्कंद के अंदर जाएंगे तो अनंत अंडर है ना और एक अंडर के अंदर जाएंगे तो अनंत आवास है और एक आवास के अंदर जाएंगे तो अनंत पुलवी है और एक पुलवी के अंदर जाएंगे तो अनंत शरीर है और एक शरीर के अंदर जाएंगे तो उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। कौन बोलेगा बच्चों में से कितने जीवों की संख्या वो बना सकते हो ना आप? तो आप तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो है ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो एलजेब्रिक इक्वेशन बना सकते हो आप कितने जीवों की संख्या है उसके अंदर है? क्या नाम है भैया बताएगा क्या है? मेहुल हाँ क्या कैसे गिना है संख्या आनंद की? नहीं भूलिया चलो अभी वो हर्षिता बताएगी फिर वापस याद कर लेना। जीव रहते हैं देखो बहुत सुंदर है ना। अभी आप कल्पना करो कि कितने जीव हैं और ऐसे जीवों की विराधना सिर्फ हमारे एक रसना इंद्री और कितने समय तक वो राग आपका विद्यमान रहेगा है और उसकी विराधना करें तो वो परिणाम कलुषित है कि नहीं? इतने जीव यदि हिंसा हो रही है ऐसा सब में अनशने जल में भी गिनना बेटा ऐसा बाहर के भोजन में भी मर्यादित भोजन है वही काम का और हमें सब में जीवों की विराधना और वहां तो त्रस्त जीव है। क्या है त्रस्त जीव? मतलब दो इंद्री मांस खाने का दोष लगता है उसमें। आई बात समझ में? और हिम्मत भैया अपनी मजबूरी नहीं है कुछ एक बात और बात मजबूरी कुछ भी नहीं है ये सिर्फ प्रमाद है और राग है। और बोलो फिर ऐसा हो तो दंड मिलना चाहिए कि नहीं? बाबूजी बताओ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना ही चाहिए।
चलो है ना, समय हो गया अपना। ये पैराग्राफ में रहने की संख्या तो मैंने 2-3 बार दोहरा दी सभा में, अभी फिर भी पढ़ लेता हूँ। तो ये पैराग्राफ आपको कहाँ कहाँ कितने समय रहना है वो पता चल जाएगा। फिर आगे जो बात है कि मिलती कैसे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं, वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। एक इंद्रिय में अधिकतम कितना रह सकता है? असंख्यात कल्प मात्र, ठीक है। और द्वि इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत त्रस पर्याय में, त्रसों में साधिक 2000 सागर, 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक समय वह त्रस पर्याय में रह सकता है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है। अजीत भैया आप जो पूछ रहे थे ना कि निगोद से निकलेगा ही इतने समय में जीव, वो इतर निगोद की बात है ना, नित्य निगोद की बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप संख्या बता रहे थे 2.5 पुद्गल परावर्तन में, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन समय में इतर निगोद से जीव निकलेगा ही, अधिकतम रहने का काल है। लेकिन नित्य निगोद में काल वहां तो अनंत अनंत काल, ठीक है, जो कि अनंत काल है। ये भी कोई कम काल नहीं भाऊ जी, 2.5 पुद्गल परावर्तन हो। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद प्राप्त कर ले, निकला 2.5 पुद्गल परावर्तन में और फिर वापस निगोद में आ जाए, ये आप समझो कितनी मुश्किल है। अपन कितनी मुश्किलों को पार करके आए हैं। मैं द्रव्य संग्रह की वो टीका देख के आऊंगा, बहुत सुंदर शब्द लिए हैं महाचार्य देव ने, अगर वो मुझे मिल गई। उन्होंने कहा कि सब मिल गया इसको और फिर भी ये मूर्ख समाधि मरण नहीं करता है, ये जन्म मरण का अभाव नहीं करता है, ये किस किस चक्कर में लग गया है। विशेष साहब,